CSIR NET दिसंबर 2017 का ये बुकलेट बी है. इसके सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 21 मैं कर रहा हूँ आपके साथ. इस क्वेश्चन को करने के लिए आई फ्लाई जो नेट को प्रिपेयर करने के लिए एक शॉर्ट एक्यूरेट फास्ट और एफिशिएंट वे है इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं. इस आई फ्लाई सिलेबस में हम लोग जो पढ़ते हैं चीज़ों को केवल एक्यूरेटली उतना पढ़ते हैं जो हमारे एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट. क्वेश्चन है, इन अ सिग्नलिंग इवेंट बाइंडिंग ऑफ एन एक्स्ट्रा सेलुलर लाइगेंड एक्टिवेट जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स GPCR that eventually activates phospholipase C beta. Which one of the following statement truly reflect the function of phospholipase C beta? देखिए, जब हम लोग GPCR की बात करते हैं तो GPCR दो तरीके से काम करता है. ये 7TM एक रिसेप्टर था GPCR. ये या तो जी अल्फा प्रोटीन की हेल्प से साइक्लिक एएमपी वाली कहानी को फॉलो करेगा प्रोटीन काइनेज ए को एक्टिवेट करने के लिए, या फिर ये फॉस्फोलाइपेज सी का इस्तेमाल करके PIP2 इसको कन्वर्ट करता है डैग और IP3 में, जिसमें से डैग का काम है प्रोटीन काइनेज सी को एक्टिवेट करना और IP3 का काम है कैल्शियम आयंस की मात्रा बढ़ाना. अल्टीमेटली बाद में चल करके कैल्शियम 2 पॉजिटिव और PKC दोनों मिलकर काम करते हैं. इसमें डैग, IP3, कैल्शियम और साइक्लिक AMP ये सभी के सभी सेकेंडरी मैसेंजर हैं. अब यहाँ जो ऑप्शन दिया हुआ है ये है फॉस्फोलाइपेज सी बीटा कन्वर्ट्स PI जो कि 3-4-5 P3 टू PI है PIP2. फॉस्फोलाइपेज सी बीटा कन्वर्ट्स PI टू PIP2 और थर्ड ऑप्शन है फॉस्फोलाइपेज सी बीटा कन्वर्ट्स PIP2 टू डायसल ग्लिसरॉल्स एंड IP3. फॉस्फोलाइपेज सी बीटा कन्वर्ट्स PIP2 PI-45P2. जिन लोगों को PIP का आइडिया ना हो उनको मैं समझा दूं कि ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल में दो फैटी एसिड की टेल लगी हुई है और इस ग्लिसरॉल के ऊपर आयनोसिटोल आके बाइंड कर जाता है, तो इस जर्नली इस मॉलिक्यूल को हम PIP बोलते हैं. अब आयनोसिटोल में किस पोजीशन पर फॉस्फेट लगे हुए हैं और कितने फॉस्फेट लगे हुए हैं इसके बेस पर इसके नाम अलग अलग होते हैं. जैसे अगर दो फॉस्फेट लगे हुए हैं तो ये PIP2 है और आमतौर पर जो दो फॉस्फेट लगे होते हैं ये फोर्थ या फिफ्थ पोजीशन पर है. PIP2 एज सच बड़ा इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है, प्रोटीन्स को डॉकिंग के लिए इस्तेमाल आता है. काफ़ी सारे सिग्नलिंग पाथवे में PIPs के ऊपर फॉस्फेट ऐड किए जाते हैं, जैसे कि AKT काइनेज वाली पाथवे अगर आपको याद हो तो. और इन PIP2 या PIP3 का जो रोल है बेसिकली वो है एक डॉकिंग साइट की तरह काम करना, जहां साइटोप्लाज्म में पाए जाने वाले सिग्नल ट्रांसडक्शन के प्रोटीन्स आकर चिपकेंगे और वो एक्टिवेट हो जाएंगे. लेकिन GPCR वाली कहानी में PIP2 को काट करके दो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करते हैं. जो GPCR की स्टोरी है उसमें जी अल्फा प्रोटीन एक्टिवेट होगा, अल्फा सब यूनिट, और इसमें हम लोग इसे GQ बोलते हैं. ये एक्टिवेट करता है फॉस्फोलाइपेज सी को और फॉस्फोलाइपेज सी PIP2 को दो हिस्सों में तोड़ देता है, जिसमें से एक का नाम है IP3 और दूसरे का नाम है डैग. डैग प्रोटीन काइनेज सी को डॉक कराता है मेम्ब्रेन पर, तो IP3 जाके बाइंड करता है साइटोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कैल्शियम चैनल्स के ऊपर. कैल्शियम चैनल खुल जाते हैं, कैल्शियम बाहर आता है और वो भी हेल्प करता है प्रोटीन काइनेज सी को. इस जगह डायग्राम दे रखा है PIP का और PIP में फॉस्फेट ऐड करने वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको हम लोग काइनेज कहते हैं. तो यहाँ पर जैसे PI4 काइनेज है, मतलब फोर्थ पोजिशन पर फॉस्फेट ग्रुप जोड़ेगा, इसने फॉस्फेट ग्रुप जोड़ दिया. अब ये बन गया है PIP फॉस्फेटिडल आयनोसिटोल जिसमें एक फॉस्फेट ऐड है. फिर PIP5 काइनेज आता है, एक और काइनेज, ये एक और फॉस्फेट ऐड करेगा. इस बार वो ऐड कर रहा है फिफ्थ पोजीशन पर, इसलिए बन गया है PIP2. फॉस्फोलाइपेज सी का काम है PIP2 को ब्रेक डाउन करना दो मॉलिक्यूल्स में, जिनमें से एक का नाम है डैग और एक का नाम है IP3 आयनोसिटोल 1,4,5 ट्राईफॉस्फेट. डैग का मतलब है डाईसाइल ग्लिसरॉल, क्योंकि डाईसाइल ग्लिसरॉल में फैटी एसिड की चैन होती हैं इसलिए ये मॉलिक्यूल मेम्ब्रेन में लगा रहता है. दोनों सिग्नलिंग मॉलिक्यूल अपना अपना काम करेंगे. यहाँ ये भी बात ध्यान रखने वाली बात है कि केवल GPCR ही एकमात्र ऐसी सिग्नलिंग नहीं है जिसमें PIP2 की स्टोरी आती है. इंडियड जो रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज हैं वो भी एक्टिवेट कर सकते हैं फॉस्फोलाइपेज सी गामा को, और वो भी सेम ये रिएक्शन करता है PIP2 को तोड़ करके IP3 और डैग में कन्वर्ट करता है. एग्जाम होने से जस्ट पहले एक एनिमेशन हम लोगों ने पोस्ट किया था इन्हीं चीज़ों को समझाने के लिए, मैं उसका पार्ट भी साथ में आपको एम्बेड कर रहा हूँ ताकि आप समझ सको कि ये क्वेश्चन आसान क्यों था. या फिर ये जी अल्फा ये एक्टिवेट कर सकते हैं फॉस्फोलाइपेज सी गामा नाम के एक प्रोटीन को, जो मेम्ब्रेन में लगे हुए एक लिपिड के मॉलिक्यूल को ब्रेक कर सकते हैं दो टुकड़ों में, जिससे ये इस मॉलिक्यूल का नाम है PIP2. ये जब दो हिस्सों में टूटता है तो एक हिस्सा डैग डाईसाइल ग्लिसरॉल मेम्ब्रेन में लगा रहता है और एक दूसरा मॉलिक्यूल IP3 ये रिलीज होकर साइटोप्लाज्म में अंदर जाता है.
डैग और IP3 ये दोनों भी सेकेंडरी मैसेंजर है। IP3 जाएगा और आपकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर कुछ चैनल्स हैं, उन चैनल्स को ओपन कर देगा। ये Ca2+ का चैनल है और जो कैल्शियम मेरा यहाँ अंदर स्टोर था वो बाहर आना शुरू हो जाएगा। ऐसी सेल्स जिसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम हो कैल्शियम को स्टोर करना, तो वहाँ हम लोग ER को बजाय ER बोलने के सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ये कैल्शियम दो तरह के फंक्शन करेगा। एक फंक्शन ये डैग की हेल्प करेगा कि ये एक दूसरे प्रोटीन को यहाँ आपस में बाइंड कर लें, जिसका नाम है प्रोटीन काइनेज सी। और प्रोटीन काइनेज सी कुछ काइनेज को एक्टिवेट करेगा दूसरे काइनेजेस को, जो अगेन सिग्नल ट्रांजेक्शन पाथवे करेंगे और न्यूक्लियस तक मैसेज भेजेंगे। सिमिलरली जो ये कैल्शियम बाहर निकल के आए, ये एक कैलमोडुलिन नाम के प्रोटीन को एक्टिवेट कर सकते हैं। कैलमोडुलिन में भी चार कैल्शियम की बाइंडिंग साइट है और चार कैल्शियम आकर के यहाँ बाइंड करेंगे। कैलमोडुलिन एक तरह का चैपरोन है और ये बाइंड करता है आपके कैम काइनेज नाम के काइनेज एंजाइम से, और ये कैम काइनेज भी बाकी काइनेज की तरह दूसरे प्रोटीन को फॉस्फेट लगाएगा। तो आई होप क्वेश्चन देखने के बाद आपको अब आंसर क्लियरली मालूम पड़ गया होगा कि फॉस्फोलाइपेज, लाइपेज नाम ही बता रहा है कि वो लिपिड को काटेगा, तो उसका काम है फॉस्फोलाइपेज सी बीटा का जो काम है वो है Pi(P)2 को कन्वर्ट करना डैग और IP3 में, जो कि दोनों सेकेंडरी मैसेंजर हैं। आप भी आई फ्लाई के साथ सभी टॉपिक्स को इतना ही स्मूथली और इतना आराम से कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ हम गाइड करने के लिए अवेलेबल हैं कि किस टॉपिक को कैसे करना है और किस तरीके से करना है, ताकि आप उसे एग्जाम में इस्तेमाल कर सकें। आई फ्लाई बहुत सिंपल तरीका है पढ़ने का। इसमें क्लासेस आपके घर पर होती हैं, स्काइप की ऑनलाइन क्लासेस हैं, व्हाट्सएप ग्रुप पर हर रोज़ असाइनमेंट मिलते हैं और काफ़ी अफोर्डेबल है। वीक में आपसे रिक्वायर्ड है कि आप 2 से 3 दिन शाम के घंटे लाइव क्लासेस के लिए दें। अगर आप वो नहीं भी दे सकते हैं तब भी ऑफलाइन क्लासेस आप कर सकते हो। ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि आप जितने एफर्ट्स करोगे नो डाउट आपके रिजल्ट्स भी उतने ज़्यादा कन्वर्ट होंगे। आपको ज्वाइन करने के लिए केवल मैसेज ड्रॉप करना है 9013902981 पर व्हाट्सएप मैसेज। हम लोग आपको कॉल करेंगे और आपको स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे कि आपको अपने लैपटॉप को कैसे रेडी करना है क्लास करने के लिए, क्या क्या आपको टूल्स चाहिए जो कि ना के बराबर हैं, और हर रोज़ आपके साथ हम लोग अवेलेबल रहते हैं, ताकि आप कभी अपने आप को अकेला फील ना करो उस तैयारी में और कभी कन्फ्यूज़ ना हो। और जानकारी के लिए आप iFlyNetGate वेबसाइट चेक कर सकते हो और मुझे मेल सकते हो saplingedutech@gmail.com पर। याद रखिएगा, हम आपकी लाइफ में कैटलिस्ट की तरह हैं जो आपके सक्सेस को फास्ट एफिशिएंट तरीके से करा सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल को, लाइक कीजिए वीडियो को और शेयर कीजिए फेसबुक पर और अपने व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर। थैंक्स अ लॉट।